अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग इन अबीरास किचन। जैसा कि मैं आप सबके साथ बहुत ही टेस्टी रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ, तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ चाइनीज़ फूड की एक बहुत ही ऑथेंटिक, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी, जिसको आप हर तरह से बना सकते हैं। तो अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक ज़रूर करें। इस रेसिपी को इस वेदर में ज़रूर ट्राई करें ताकि आप लोग फ्लू से बच सकें। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा यहाँ पर बोनलेस चिकन। सबसे पहले मेरे पास ऑलरेडी जो चिकन अवेलेबल था उसमें से मैंने बोनलेस निकाल कर तो उसको कटिंग कर लिया। यहाँ पर थोड़े से 3 से 4 क्लोव्स लहसुन के और अदरक हैं जिसको मैं ग्रेट कर रही हूँ। आई एम सॉरी, मेरा यहाँ पर जो कैमरा है वो बहुत डिस्टर्ब हो गया था जिसकी वजह से ये थोड़ा सा रिकॉर्डिंग यहाँ पर ख़राब हुई। तो बस आपने अदरक लहसुन डाल देना है, चिकन को अच्छे से उसमें लगा देना है। अब आप इसमें नमक मिर्च जो है हसबे ज़रूरत अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, 1 चम्मच सोया सॉस डालें, 1 चम्मच विनेगर डालें और इसमें फिर 1 अंडा डाल दें। अब इसको अच्छे से मिक्स करें। फिर इसमें आपने कॉर्नफ्लावर डालना है 2 चम्मच और उसको मिक्स करके चिकन को मैरिनेट करके रख दें। आधे घंटे के बाद मैंने शैलो फ्राई किया है चिकन को हल्की आंच पर। ये आप देख सकते हैं इसमें 4 टेबलस्पून तेल है, 4 टेबलस्पून, और उसमें मैंने इसको डाल दिए। जो बैटर था वो मैंने ऊपर लगा दिया और अब ये बहुत ही अच्छे तरीके से जो है यहाँ पर फ्राई हो रहा है। आप चाहें तो आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ मैंने अपनी वेजिटेबल्स रेडी कर ली थी जिसमें 3 शिमला मिर्चें ली और 1 बड़े साइज़ का मेरे पास प्याज था जिसे मैंने काट कर, तो अब ये इसके जो शाइप्स हैं उनको मैं अलग अलग करके तो यहाँ पर रख रही हूँ। चिकन मेरी शैलो फ्राई हो गई थी, उसे मैंने निकाल लिया और उसी पैन में मैंने थोड़ा सा जो है वो कुकिंग ऑयल ऐड करके तो अब अपनी सब्जियों को जो है वो स्टर फ्राई करना है। उससे पहले मैं एक जो है लहसुन का क्लोव और थोड़ा सा अदरक उसके अकॉर्डिंग जो है वो डाल लूँगी। आप चाहें तो 1/2 टीस्पून जो है यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है, और यहाँ पीस कर उसको डाल सकते हैं। तो मैंने इसको ग्रेट किया है और ग्रेटिंग से बहुत ही डिलीशियस टेस्ट पैदा हुआ है कुकिंग में। तो अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा स्टर फ्राई करेंगे यहाँ तक कि इसकी थोड़ी सी खुशबू भुनी भुनी सी आ जाए, वो आपको पता चल जाएगा। लाइट गोल्डन कलर इसमें जब आ जाए दैट मींस कि आपका अदरक लहसुन रेडी है। अब आप इसमें शिमला मिर्च और ये जो आपका प्याज है इसको डाल दें और अब आपने अदरक लहसुन के साथ इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पर स्टर फ्राई करना है यहाँ तक कि अदरक लहसुन की जो अरोमा है वो इसको अंदर बहुत अच्छे से रेडी हो जाए। जैसे ही थोड़ी देर यहाँ पर गुजरी तो फिर मैंने इसमें अपनी जो है वो चिकन ऐड कर दी, और चिकन से पहले जो है वो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ सोया सॉस और विनेगर। और सोया सॉस और विनेगर जो है वो मेरे पास थोड़ा सा ही अवेलेबल था तो उसको जितना भी था वो मैंने डाल दिया। आप यहाँ पर एटलीस्ट 1 टेबलस्पून या 1.5 टेबलस्पून ज़रूर डालिएगा। इसके अलावा यहाँ पर 1 छोटी चम्मची काली मिर्च की और उसी के अकॉर्डिंग मैंने नमक जो है वो डाला है, और सब्जियों को अच्छे से यहाँ पर हम क्रंची क्रंची स्टर फ्राई करेंगे। हमने इसको सौगी नहीं करना और स्टर फ्राई ही इसमें जो है वो होगी क्रंची वेजिस का ही मज़ा आएगा। अब आप इसमें अपनी फ्राइड चिकन ऐड कर दें और चिकन के साथ आपने इन सब्जियों को थोड़ी देर के लिए यहाँ पर भूनना है, स्टर फ्राई करना है, और फिर जैसे ही वो हो जाए तो फिर आप इसमें केचप और इसमें आप जो है चिली सॉस ऐड कर दें। और चिली सॉस जो है और केचप मैंने मिक्स करके यहाँ पर ऐड की है और थोड़ी देर के लिए मैंने उसको यहाँ पर भुना, और उसको भुनने के बाद जो है यहाँ पर मैं इसमें पाइनएप्पल ऐड कर रही हूँ। और पाइनएप्पल जो है वो मुझे ऑल इन वन अवेलेबल नहीं था तो मैंने कॉकटेल लिया जिसमें और भी फ्रूट्स मिक्स होते हैं, बहुत ही यम्मी टेस्ट उसका बना, वही यहाँ पर ऐड कर देंगे। और फिर थोड़ी सी केचप मैंने इसमें और ऐड की बिकॉज़ आई नीड अ रेड कलर, अ लिटिल बिट रेड कलर, ज़्यादा नहीं, और फ्लेवर बहुत ही मज़े का था। अब यहाँ पर आप अपना जो है सॉल्ट एंड पेपर चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप उसमें नमक और काली मिर्च थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने चेक किया था तो मेरा सब ठीक था। और उसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको बॉयल होने के लिए रख दिया। यहाँ पर हम हरी प्याज ले लेंगे और हरी प्याज का ये जो ग्रीन पार्ट है इसको बहुत अच्छे से आपने कट कर लेना है और इसको आपने यूज़ करना है।
अब ये देखें, ये स्ट्यू जो है यहाँ पर हॉट एंड सावर चिकन मंचूरियन का रेडी हो गया है। और इसमें अब हम कॉर्नफ्लावर 2 चम्मच मिक्स करके थोड़े से पानी में, जो है 1 कप पानी मैंने लिया था, और आप देखें मेरे कप का साइज़ भी बिल्कुल छोटा है, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड करेंगे। एंड देन वी जस्ट स्टर इट अराउंड इन अ सर्कुलर मोशन टू जस्ट मेक इट फाइन। एंड थोड़ी देर के लिए इसको हम यहाँ पर जो है इस तरह से घुमाएंगे अपना चम्मच, ताकि अच्छे से हमारा कॉर्नफ्लावर जो है उसमें मिक्स हो जाए। और इसके साथ ही इसमें जो है वो थोड़ी देर इसको पकाने के बाद आपने इसमें जितनी स्ट्यू रखनी है, जितना आपको ग्रेवी चाहिए आप उतना रख लें। मैंने इसको थोड़ा सा जो है वो ग्रेवी फॉर्म में किया था, बिकॉज आई नीड इट इन सूप इन अ हॉट एंड सावर, यू नो उस टेक्सचर में मुझे ये चाहिए था। तो ये देखिए, बस उसको पकाने के बाद आपने उतार लेना है आफ्टर एडिंग द ग्रीन अनियन, और देयर यू ऑल गो। अब मैं इसको सर्व कर रही हूँ। मैंने इसके साथ जो है फ्राइड राइस ऐड बनाए थे, और फ्राइड राइस के साथ इस रेसिपी का तो जवाब ही नहीं, बहुत ही टेस्टी और यमी बनी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड मस्ट डू कमेंट मी कि आपको कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग और न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।